वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। आज अपन किस पे डिस्कस करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, द लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ टिश्यू। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन दैट हेल्प रिड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन वेस्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, एक नेटवर्क है किसका, टिश्यू और ऑर्गन का, और वो अपनी किस चीज़ में हेल्प करता है, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, एक्सेसिव जो भी अपन ने ड्रग्स लिए उनके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, वही क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, वेस्ट हैं, अदर जो वेस्ट हैं और जो अपने को जरूरत नहीं है, वो वही उसी वही क्या है अपने लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। द प्राइमरी सिस्टम ऑफ द लिम्फेट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज द ट्रांसपोर्ट लिम्फ। जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट द लिम्फ। ए फ्लूइड कंटेनिंग इन्फेक्शन फाइट वाइट ब्लड सेल थ्रू द बॉडी, और क्या करता है, अपने को जो इन्फेक्शन है उससे क्या है प्रिवेंट करता है, उससे फाइट करवाता है, किससे, WBC से, किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा। तो अपना लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, एक नेटवर्क है किसका, टिश्यू और ऑर्गन का, बनता किससे है, जो अपने बॉडी के अंदर टॉक्सिक जो हैं और जो अपना वेस्ट मटेरियल है उनसे बनता है। इसका फंक्शन क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, लिम्फ का, किसके अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर, ठीक है, लिम्फ वेसल्स के थ्रू क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और जो अपना फ्लूइड है वो क्या करता है, जो अपनी बॉडी से इन्फेक्शन जो है उसको फाइट कराता है, किसके थ्रू कराता है, WBC के थ्रू कराता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है, लिम्फेटिक सिस्टम बनता किन किन चीजों से है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या है, अपनी लिम्फ वेसल, लिम्फ होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ ऑर्गन होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होती हैं और बोन मैरो होते हैं। इन सबसे मिलके क्या है अपना लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। अगर अपन लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो क्या क्या करता है, टिश्यू ड्रेनेज, जैसे कि अपन ने यहां से देखा है कि क्या है लिम्फेटिक सिस्टम, क्या है नेटवर्क ऑफ, क्या है नेटवर्क है किसका, टिश्यू और ऑर्गन का, जो क्या करता है, जो अपना वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करता है, उसको फ्लो कराता है, किससे, किसमें, अपने लिम्फ वेसल्स के अंदर। और क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट सोल्युबल मटेरियल है उसका क्या है अब्जॉर्प्शन कौन करता है, जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है वही क्या करता है, उसको अब्जॉर्प्शन करता है। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कैसे, जो अपने इन्फेक्शन है उनसे क्या फाइट करने में अपनी क्या हेल्प करता है, किसके थ्रू, WBC के थ्रू। तो क्या है, ये अपने जो इम्यून सिस्टम है उसको भी प्रिवेंट करता है, उसको उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। लिम्फेटिक जो अपना सिस्टम है वो किससे बना, लिम्फ हो गई, लिम्फ वेसल्स हो गई, लिम्फ नोड हो गए,
लिम्फ ऑर्गन हो गए, कौन से लिम्फेटिक ऑर्गन, स्प्लीन है, थाइमस है, ये क्या है, लिम्फ ऑर्गन है। डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू हो गए, जैसे कि कौन से लाइक टॉन्सिल्स, ये भी क्या है, लिम्फोइड टिश्यू है। और बोन मैरो, ये क्या है, अपने लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन है। लिम्फेटिक सिस्टम इन इन चीजों से मिलके बना होता है। लिम्फ होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ ऑर्गन होते हैं। लिम्फ ऑर्गन कौन से हैं, स्प्लीन है, थाइमस है। डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू कौन से हैं, लाइक टॉन्सिल्स और बोन मैरो। ये क्या है, अपने लिम्फेटिक सिस्टम इन इन चीजों से मिलके बना होता है। ये क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है, ये टॉन्सिल्स दिखाए गए हैं, ये लिम्फ नोड दिखाए गए, थाइमस है, थायरॉइडिक डक्ट है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है, अपेंडिक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई गई है, बोन मैरो दिखाया गया है। ये क्या है, इस डायग्राम के अंदर अपने को सारी चीजें दिखाई गई हैं। जो टॉन्सिल्स हैं वो क्या है, अपने डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, लिम्फ नोड प्रेजेंट हैं, वो अपने को दिखाए गए हैं। इसमें लिम्फ वेसल्स हैं, ये क्या है, अपने लिम्फ वेसल्स हैं। ये क्या है, अपने डिफ्यूज टिश्यू हैं, लिम्फ नोड है, लिम्फ वेसल्स हैं। ये क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन है, स्प्लीन और थाइमस। ये स्प्लीन हो गई, ये थाइमस हो गया, और ये अपने को बोन मैरो दिखाई गई है इसमें। नेक्स्ट क्या है, अपना फंक्शन ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू। फंक्शन क्या क्या है लिम्फोइड सिस्टम के, अपने सबसे पहले क्या है, टिश्यू ड्रेनेज करता है। अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। देन आफ्टर क्या है, इम्यूनिटी। ये तीन चीज क्या है, तीन क्या है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या है, टिश्यू ड्रेनेज के अंदर क्या होता है, एवरी डे अराउंड 21 लीटर ऑफ प्लाज्मा फ्लूड कैरिंग डिजोल्व सब्सटेंस एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम द आर्टरी एंड ऑफ द कैपिलरी इन टू द टिश्यू। यानी कि टोटल जो है पर डे अपने क्या है, 21 लीटर जो प्लाज्मा फ्लूड है वो क्या है, कैरी होता है अपने। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्लूड इज रिटर्न डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम बाय द कैपिलरी। और क्या होता है, सारा का सारा जो लगभग फ्लूड है वो क्या है, डायरेक्टली अपनी जो ब्लड स्ट्रीम है उनके अंदर क्या है, आता है किसके थ्रू, कैपिलरी के थ्रू। किंतु 3 से 4 लीटर जो फ्लूड है वो क्या है, ड्रेन होता है किसके अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो यही क्या है अपना टिश्यू ड्रेनेज होता है। टिश्यू ड्रेनेज, एवरी डे अराउंड 21 लीटर ऑफ प्लाज्मा फ्लूड कैरिंग डिजोल्व सब्सटेंस एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन इसे फ्रॉम द आर्टरी एंड द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू। यानी कि लगभग क्या है, 21 लीटर जो प्लाज्मा फ्लूड है वो क्या है, अपने जो है पर डे अपना इसके अंदर फ्लो करता है। बट
मोस्ट ऑफ द फ्लूड इज रिटर्न डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम, लगभग जो है वो क्या है डायरेक्टली रिटर्न होता है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, किसके थ्रू, अपनी जो कैपिलरीज के थ्रू। परंतु 3 से 4 लीटर फ्लूड है वो क्या है ड्रेन होता है किसमें, किसके द्वारा, लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा क्या है ड्रेन होता है। Without this, the tissue would rapidly become waterlogged and the cardiovascular system would begin to fail as the blood volume fall. अगर अपनी बॉडी के अंदर ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी तो अपना जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है क्या है वो भी फेल हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्या है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या एब्जॉर्प्शन होता है, फैट एंड फैट सोल्युबल मटेरियल, जो फैट और अपना फैट सोल्युबल मटेरियल है वो क्या है अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या है एब्जॉर्ब होता है। एग्जाम्पल द फैट सोल्युबल विटामिन आर अब्जॉर्ब इनटू द सेंट्रल लेक्टल यानी कि लिम्फ वेसल ऑफ द विलाई, यानी कि यहां पे क्या है अब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्या है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में क्या है द लिम्फेटिक ऑर्गन आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड मैच्युरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट द WBC दैट आर प्रायरली रिस्पॉन्स फॉर प्रोविजन ऑफ इम्यूनिटी, जो लिम्फेटिक ऑर्गन है वो किससे कंसर्न होते हैं कंसर्न ऑन द प्रोडक्शन एंड मैच्युरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट, यानी कि प्रोडक्शन से लेकर मैच्युरेशन तक की जो है वो क्या है लिम्फेटिक ऑर्गन से कंसर्न होते हैं, और WBC है वो क्या है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए प्रोविजन ऑफ द इम्यूनिटी, क्यों रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि बोन मैरो इज देयर कंसर्न टू द लिम्फेटिक सिस्टम्स लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड देयर, और यानी कि ये जो अपनी फाइट जो है WBC की जो फाइट्स होती है उसके अंदर क्या है हेल्पफुल होती है और अपने को ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है।
देन आफ्टर क्या आता है अपना लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ इज ए क्लियर वाटरी फ्लूड सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा विद द इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड इन कंपोजिशन इंटरस्टिशियल फ्लूड। लिम्फ क्या है? क्लियर वाटरी फ्लूड है किसकी कंपैरिजन में? प्लाज्मा प्रोटीन के, प्लाज्मा के कंपैरिजन में। लिम्फ ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन दैट सीप आउट द कैपिलरीज बैड बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। लिम्फ क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका? प्लाज्मा का। दैट सीप आउट द कैरी कैट द कैपिलरी बैड बैड बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। और क्या है? कैपिलरीज के अंदर ये छोड़ती हैं। इट ऑल्सो कैरी अवे लार्ज पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया एंड सेल लेवर्स फ्रॉम द डैमेज टिश्यू दैट कैन द फिल्टर्ड आउट एंड डिस्ट्रॉयड बाय द लिम्फ नोड। और ये क्या करती हैं? जो अपने लार्ज पार्टिकल्स हैं, कौन से बैक्टीरिया हैं, सेल डेब्रिज या टिश डैमेज टिश्यू, उनको भी क्या है? कैरी करती है, फिल्टर्ड होता है फिर वो और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किसके अंदर? किसके द्वारा? लिम्फ नोड के द्वारा क्या है वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। लिम्फ कंसिस्ट लिम्फोसाइट्स विच सर्कुलेट इन द लिम्फेटिक सिस्टम अलोंग देम द पार्सल टू द डिफरेंस रीजन ऑफ द बॉडी। इन द लेक्टल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फैट अब्जॉर्ब इन टू द लिम्फो लिम्फोसाइट गिव द लिम्फ नोड कॉल्ड चाइल्ड ए मिल्की अपीरियंस। नेक्स्ट अपना क्या है? लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स कौन सी होती हैं? लिम्फ कैपिलरीज होती हैं और लार्ज लिम्फ वेसल्स होती हैं। तो लिम्फ कैपिलरीज क्या हैं? दीज ऑर्गेनेटिक एज बाइंड एंड ट्यूब इन द इंटरस्टिशियल स्पेस दे हैव टू सम स्ट्रक्चर एज ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है? जो सेम स्ट्रक्चर होती है किसकी? इसकी। जो लिम्फ कैपिलरीज है उनकी क्या है? सेम स्ट्रक्चर होती है किसकी तरह की? जो अपनी ब्लड कैपिलरीज होती है वैसे। लाइज ए सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल। ये भी क्या है? एंडोथेलियल सेल से क्या है? मिलके बनी होती है। बट आइदर वॉल आर मोर परमेबल एज द इंटरस्टिशियल फ्लूड कंसर्न इंक्लूडिंग प्रोटीन एंड सेल डेब्रिज दे टिनी कैपिलरी जॉइन द लार्ज लिम्फ वेसल्स। और जो छोटे छोटे लिम्फ कैपिलरीज है वो किस में जुड़ती है? जाके लार्ज लिम्फ वेसल्स के अंदर जाके जुड़ती हैं। ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी हैव ए नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम द बोन एंड द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। यानी कि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो क्या है? सेमी परमेबल होती हैं। सेम जो अपनी ब्लड कैपिलरीज है उनकी तरह ही क्या है वो बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? वो अपनी एंडोथेलियल सेल की बनी होती हैं। इन पे जो कंट्रोल है वो किसका होता है? जो अपना सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्या है ये कंट्रोल में होती हैं। और ये मोस्ट सुपरफिशियल लेयर होती है किसकी? स्किन की।
छोटे छोटे कैपिलरीज हैं, वो मिलके क्या बनाती हैं अपनी, किस में जुड़ती हैं जाके, लार्ज लिम्फ वेसल्स के अंदर जाके जुड़ती हैं। दीज ऑर्गेनेटिक एज ब्लाइंड एंड ट्यूब इन द इंटेस्टिनल स्पेस, दे हैव ए सेम स्ट्रक्चर एज ब्लड कैपिलरीज लाइक ए सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल, बट देयर वॉल आर मोर परमेबल टू द ऑल इंटेस्टिनल फ्लूइड कंस्टिट्यूट इंक्लूडिंग प्रोटीन एंड सेल डेब्रिज। द टिनी कैपिलरीज जॉइन अप टू द फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स। All tissue of the body have a network of lymphatic vessels with the explanation of the central nervous system, the bone and the most superficial layer of the skin। ये क्या है? Same structure होती है किसकी? जो अपनी blood capillaries होती है, blood capillaries के अंदर क्या है? Blood flow करता है, वैसे ही क्या है? इनके अंदर fluid जो है वो क्या है? Flow करता है। छोटी कैपिलरीज हैं, वो मिल के क्या बनाती हैं, किसको जुड़ती हैं? लार्ज लिम्फ वेसल्स में जाके जुड़ती हैं। ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी हैव ए नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, जो अपनी बॉडी है वो सारी की सारी किससे कनेक्ट रहती है? नेटवर्क है किसका? लिम्फेटिक वेसल्स का है, विद द एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द बोन एंड द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। नेक्स्ट क्या है अपना? लार्ज लिम्फ वेसल्स। द वॉल ऑफ द लिम्फ वेसल्स आर अबाउट द सेम थिकनेस एंड दोज ऑफ द स्मॉल वेन एंड हैव द सेम लेयर ऑफ द टिश्यू लाइक फाइबर्स कवरिंग ए मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू एंड एन इनर लाइनिंग ऑफ एंडोथेलियम। ये जो वॉल है लिम्फ वेसल्स की, ये क्या है? सेम थिकनेस होती है किसकी? किसकी जैसी? जो अपनी स्मॉल वेन होती है उनकी तरह क्या है? सेम होती है। ये उसी की तरह क्या है? सेम लेयर प्रेजेंट होती है इसके अंदर। क्या क्या? कौन सी? लाइक फाइबर्स कवरिंग, मिडिल लेयर, स्मूथ लेयर एंड इलास्टिक टिश्यू एंड इनर लाइनिंग ऑफ एंडोथेलियम। यानी कि सारी की सारी क्या है? ये जो अपनी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वैसी की वैसी क्या है? अपनी लार्ज लिम्फ वेसल्स होती है। लार्ज लिम्फ वेसल्स जो है वो किससे मिलकर बनती है? अपने जो कैपिलरी वेसल्स हैं या लिम्फ कैपिलरीज हैं उनके द्वारा क्या है? ये बनती है। लिम्फ वेसल्स हैव न्यूमेरियस कप शेप वॉल विच एंश्योर द लिम्फ फ्लो इन वन वे ओनली। क्या है? जो लिम्फ वेसल्स हैं वो क्या है? कप शेप वॉल प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर बहुत सारे, जिससे क्या है? जो लिम्फ का फ्लो है वो क्या है? वन वे होता है। यानी कि उसके अंदर टू वे नहीं होता, वन वे ही इसके अंदर क्या है? ब्लड की तरह इसमें भी वन वे ही होता है। देर इज नो पंप लाइक द हार्ट। इसके अंदर हार्ट की तरह कोई भी पंप नहीं होता, जिससे कि हार्ट क्या करता है? अपना ब्लड फ्लो करता है। वैसे इसके अंदर क्या है? कोई पंप प्रेजेंट नहीं होता। इन्वॉल्व इन द ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लिम्फ, बट द मसल्स टिश्यू इन द वॉल ऑफ लार्ज लिम्फ वेसल्स हैव इलास्टिक एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट विद मेटल। बट इनके अंदर क्या है? एक लिम्फेटिक पंप होता है जो क्या करता है? इनके अंदर फ्लो करवाता है। ठीक है, फ्लो करने के अंदर के लिए क्या है? एबल होता है। हार्ट की तरह इसमें कोई पंप नहीं होता,
बट इनके अंदर जो लिम्फेटिक पंप होता है वो क्या है, उसके अंदर एबिलिटी होती है, वो क्या है, फ्लो करवा सकता है, मूवमेंट्स होते हैं उनको। हाँ इन एडिशन एनी स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसली कंप्रेस द लिम्फेटिक वेसल्स कैन असिस्ट द मूवमेंट ऑफ लिम्फ अलोंग द वेसल्स कॉमनली इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द इजेक्शन मसल्स एंड द लार्ज आर्टरीज। लिम्फ वेसल्स बिकम लार्जर देन जॉइंट टूगेदर इवेंचुअली फॉर्मिंग टू लार्ज डक्ट द थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट दैट एम्प्टी लिम्फ इन टू द सबक्लेवियन वेन। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पे होगा, थोरेसिक डक्ट एंड जो अपनी राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है किसकी पार्ट है, वो जो अपनी लार्ज लिम्फ वेसल्स हैं वो क्या है, दो भागों में डिवाइड हुई है, कि कौन से में, थोरेसिक डक्ट एंड जो राइट लिम्फेटिक डक्ट में हुई है, उस पे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।